गर्मियां आ गई हैं और स्ट्रॉबेरी का सीजन भी खत्म होने वाला है, तो मैंने सोचा क्यों ना बना लें स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। तो ये आइसक्रीम हम सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट से मिलके बनाएंगे, जिसका टेस्ट और टेक्सचर बिल्कुल मार्केट की आइसक्रीम जैसा होगा और बिल्कुल जैसे अमूल की आइसक्रीम या क्वालिटी वॉल की आइसक्रीम होती है ना, वैसे ही लाजवाब और क्रीमी होगी ये। तो चलिए अपनी ये लाजवाब सी आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एकता और स्वागत है आपका टेस्ट फ्रॉम किचन में। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप स्ट्रॉबेरी, जिसे मैंने अच्छे से धो करके पोंछ लिया है और इसे ऐसे पीसेस में काट लिया है। तो अब हम इसे पीस करके इसका पेस्ट बना लेंगे। फ्रेंड्स, हम ये नेचुरल फ्रूट से बना रहे हैं तो ये आइसक्रीम ज्यादा ही टेस्टी और यमी बनेगी और साथ में इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स भी नहीं रहेंगे तो ये नुकसान भी नहीं करेगी बच्चों को। तो ये देखिए, मैंने इसे पीस लिया है, इसका पेस्ट हो गया है, इसे साइड कर देते हैं। तो अब मैं ले रही हूँ 1 कप यहाँ पे व्हिप क्रीम। तो व्हिप क्रीम आपको आसानी से मार्केट में मिल जाएगी, तो इसे अब हम व्हिप कर लेंगे। तो अगर आपके पास ऐसा हैंड ब्लेंडर ना हो तो आप विस्क से या फोक से भी इसे व्हिप कर सकते हैं, पर उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसे मैंने स्टिफ पीक आने तक व्हिप कर लिया है। तो अब हम इसमें कुछ चीजें और ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं इसमें डाल दे रही हूँ 200 ग्राम कंडेंस मिल्क। कंडेंस मिल्क आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आपको इसकी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और साथ ही में हम डाल देंगे जो हमने स्ट्रॉबेरी पीसी थी उसका ये पल्प। तो ये देखिए कितना खूबसूरत रेड कलर है, बिल्कुल नेचुरल कलर है, पर फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी एसेंस का यूज कर रही हूँ, जिससे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी का और अच्छा टेस्ट इसमें आएगा। और मैं इसमें पिंक कलर का भी यूज कर रही हूँ। ये दोनों चीजें ऑप्शनल हैं, अगर आपके पास ना हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। और इसे अब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद इसे थोड़ी देर और व्हिप कर लेंगे। तो फ्रेंड, जिस तरीके से मैं यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की आइसक्रीम बना रही हूँ, स्ट्रॉबेरी का पल्प यूज कर रही हूँ, आप मैंगो का भी इसी तरीके से पल्प यूज कर सकते हैं, चीकू का कर सकते हैं, ब्लूबेरी वगैरह का कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने मिक्स कर लिया है, तो चलिए अब इसे थोड़ी देर और व्हिप कर लेते हैं। तो ये देखिए, इस तरीके से हमें व्हिप कर लेना है जब तक ये बिल्कुल स्मूथ और इसमें जो है पीक्स अच्छे से ना बनने लगे। ये देखिए ये बिल्कुल रेडी है, तो चलिए अब इसे निकाल लेते हैं एक बॉक्स में। तो यहाँ पे मैं एक शीशे के कंटेनर का यूज कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ऐसा कंटेनर नहीं है तो आप कोई प्लास्टिक का बॉक्स है या फिर कोई स्टील का बर्तन है, आप कुछ भी ऐसा ले सकते हैं। बस उसे हमें अच्छे से ढक्कन लगा करके तब इसे फ्रिज में डालना रहेगा। तो ये देखिए, ये सारी आइसक्रीम मैंने इसमें डाल दी है, इसे बराबर से मैं सेट कर दे रही हूँ। तो फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया इसका टेस्ट आता है, क्योंकि हमने इसे फ्रेश स्ट्रॉबेरी से बनाया है, तो इसका स्वाद नॉर्मल मार्केट की आइसक्रीम से कुछ ज्यादा ही अच्छा होता है। तो अब मैं इसे बंद कर दे रही हूँ उस तरीके से, और इसे हम ओवरनाइट या 7 से 8 घंटे कम से कम हम फ्रीजर में डाल देंगे। तो चलिए इसे रख देते हैं और इसके बाद जब ये जम जाएगा तब हम निकालेंगे। आइसक्रीम को मैंने यहाँ फ्रीजर से निकाल लिया है, इसे मैंने ओवरनाइट रख दिया था। तो चलिए खोल के देखते हैं। वाओ, बहुत ही अच्छी लग रही है ये देखने में, और मैं स्कूप करके दिखाती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये स्कूप हो जा रही है, बिल्कुल भी आइस क्रिस्टल्स इसमें नहीं बने हैं और बहुत ही डिलीशियस लग रही है। तो अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक कांच के बाउल में मैं इसे सर्व कर रही हूँ। फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये आइसक्रीम बनती है, आप एक बार इस तरीके से बना के ट्राई करेंगे तो मार्केट की आइसक्रीम खाना तो भूल ही जाएंगे। तो इसे मैंने चॉप्ड स्ट्रॉबेरीज से ऐसे थोड़ा सा गार्निश कर दिया है और थोड़ा सा इस पर लगा दिया है मिंट लीफ, जिससे ये देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगेगी। तो ये देखिए, हमारी यमी टेस्टी से घर की बनी हुई स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम बिल्कुल तैयार हो गई है। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है, कोई भी केमिकल वगैरह का यूज़ हम इसमें नहीं करते हैं, इसलिए ये हेल्दी भी होती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आने वाली नई वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऐसी और बहुत सारी आइसक्रीम की रेसिपीज पहले भी मैंने दे रखी है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाके ज़रूर चेक करें। तो मिलती हूँ आपसे कुछ नई यमी टेस्टी रेसिपीज के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड बाय बाय।